अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास सीरीज चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हमने न्यूटन के कवानीन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन के कवानीन हैं क्या। न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट हु गेव सम लॉज अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी। दे आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का पहला कानून। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड दैट नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमें यह बताया गया है कि अगर कोई बॉडी है रेस्ट की हालत में तो वो अपनी रेस्ट की हालत में ही रहेगी, या फिर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो अपने इस स्टेट को ही बरकरार रखेगी। कंडीशन क्या है कि बॉडी पर फोर्स ना लगे। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आई हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे पास आई है स्टेट ऑफ रेस्ट, इसी तरीके से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स की बात की जाए, नेट फोर्स क्या होती है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होते हैं कलेक्टिवली हम इन्हें क्या कहते हैं? नेट फोर्स। उसके बाद अगर बात की जाए स्टेट ऑफ रेस्ट के, रेस्ट की हालत में रहने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक टेबल पर बुक रखी हुई है तो वो किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है, और जब तक हम फोर्स लगाकर उस बुक को नहीं उठाते वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। इसी तरीके से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी? जैसे रोलिंग बॉल की अगर हम एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास बॉल है जिसे हमने किसी भी एक सरफेस के ऊपर रोल करना स्टार्ट करवाया है। अब हमें पता है कि जब तक अगर उस बॉल को रोकने वाली कोई फोर्स नहीं होगी तो वो रोल ही करती रहेगी। अब बॉल क्यों रुक जाती है? जैसे हमें पता है कि फ्रिक्शन भी होती है बॉल और अर्थ के दरमियान में, सरफेस के दरमियान में, तो फ्रिक्शन है उसकी फोर्स की वजह से जो बॉडी होती है वो रेस्ट की हालत में आ जाती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी कभी भी नहीं रुकेगी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो बॉडी है अगर रेस्ट की हालत में है उस पर जब तक फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, अगर उस पर अपोजिंग फोर्सेस अमल ना कर रही हों तो वो बॉडी कभी भी रेस्ट की हालत में नहीं आएगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। अब अगर देखा जाए इन कवानीन के अंदर हमें ये चीज़ बताई हुई है कि स्टेट की हालत में अगर बॉडी है तो वो स्टेट की हालत में ही रहना चाहती है, इसमें आने वाली तब्दीली के खिलाफ अपोजिशन करती है, मुजाहमत करती है। इसी तरीके से अगर एक बॉडी मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में ही रहेगा। अगर आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है? आपको एक फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। तो इससे हमें एक चीज़ मजीद पता चलती है, जैसा कि हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी सेम यही थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो ट्राई करती है कि वो रेस्ट की हालत में ही रहे। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग स्टेट में ही रहना पसंद करती है। तो इस वजह से चूंकि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनर्शिया के इनर्शिया से मैच करती हैं, इसलिए हमें इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अक्सर पेपर में ये स्टेटमेंट दी जाती है डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमें कहीं पर पढ़ाया ही नहीं गया यहाँ पे, बल्कि वो इनर्शिया की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताएंगे स्टेट ऑफ रेस्ट की क्या मतलब है, इसी तरीके से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। आप साथ में इनकी एग्जाम्पल्स देंगे, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसके अंदर बुक की एग्जाम्पल देंगे, और जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है उसके अंदर आप एक रोलिंग जो बॉल है उसकी एग्जाम्पल देंगे। इस तरीके से आप जो कंप्लीट है, इन केस अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसे आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाएगी तो वो बॉडी उसी फोर्स की सिम्त में, उसी की डायरेक्शन में क्या करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक बॉल है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड,
तो देखा जाए तो ये जो बॉडी है ये भी किस तरह एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगी, मूव करना शुरू हो जाएगी इसी फोर्स की डायरेक्शन में। तो इससे ये पता चला आप बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज है यहाँ पर मजीद हमें बताया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये जो नेट फोर्स होती है ये एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी में फोर्स लगाएंगे बॉडी जो मूव करेगी वो भी उतनी ही ज्यादा तेजी से करेगी। अगर आपने बिल्कुल मामूली सी फोर्स लगाई है तो जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, कम स्पीड से वो एक्सेलरेट करेगी। लेकिन अगर आपने फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल लगाई है तो ये जो बॉडी है या बॉल है ये जो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट करने की सलाहियत होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चलती है जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ फोर्स। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। और नेक्स्ट हमें बताया गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और ये जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास दो किस्म की बॉल्स हैं, एक हमारे पास स्मॉल बॉल है और एक हमारे पास हैवी बॉल है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब फोर्स लगाएंगे इस बॉडी का मास कम है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी, इस पर अगर हम मामूली सी भी फोर्स लगाते हैं तो इसके एक्सेलरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है, अब इस बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई थी इस बॉडी के ऊपर तो मैं कह सकता हूँ कि इसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब अगर यही मैं 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ इस बॉडी पर तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा या इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है जितना किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा होता जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही कम होता जाएगा, वो जो बॉडी है उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करने की सलाहियत अपनी खो देगी। जितना मास कम होगा वो इजीली मूव कर लेगी। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चला जो एक्सेलरेशन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें लेफ्ट साइड को तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देन आप यहाँ पर कहेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर मजीद हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया जाता है। यहाँ पर इस केस में कांस्टेंट होगा के एम ए। अब हम मोस्टली जो होता है के की वैल्यू हम लेते होते हैं 1। अगर के की वैल्यू 1 ले ली जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 एम ए, मजीद हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर जो शॉर्ट बनता है, अक्सर ये शॉर्ट पूछा जाता है व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करें, तो आप जैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में इसका जो लास्ट एक्सप्रेशन है आप ये लिख देंगे। इसी तरीके से शॉर्ट में पूछा जा सकता है प्रूफ करें एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आपने ये मैथमेटिकल जो इसकी डेरिवेशन है ये करनी होगी। इसी के बाद मजीद एक और चीज़ है, अब हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, अगर इसका हमने यूनिट निकालना तो यूनिट किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमने इसका यूनिट ड्राइव करना है तो हम यहां पर इसका यूनिट किस तरीके से ड्राइव करेंगे, हमें पता है जो मास है इसका यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो फोर्स है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाएगा। मजीद जो फोर्स है इसके एक और यूनिट भी होता है जिसे हम एसआई यूनिट के अंदर न्यूटन कहते हैं और इसे कैपिटल एन से शो किया जाता है। अब यहां पर एक चीज एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, जैसा कि हमें पता है फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है और फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, तो ये दोनों जो यूनिट्स होंगे ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर 1 न्यूटन की बात की जाए तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। मतलब अगर आपने बॉडी के अंदर 1 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो मास है वो 1 kg का होना चाहिए और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ब्रीफली एक्सप्लेन किए। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।